वॉर फिल्म की ग्रैंड सक्सेस के बाद टाइगर श्रॉफ का पूरा फोकस उनकी अपकमिंग फिल्म बागी 3 पर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बागी 3 को साल 2020 में रिलीज किया जाना है और 6 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं अहमद खान। बागी फ्रेंचाइजी टाइगर श्रॉफ की सबसे हिट फ्रेंचाइजी मानी जाती है, ऐसे में बागी 3 का दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बागी 3 के क्लाइमेक्स को लेकर एक बड़ी जानकारी लीक होती दिख रही है और क्लाइमेक्स से जुड़ा टाइगर श्रॉफ का एक लुक भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अभी हाल ही में टाइगर श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है और यह तस्वीर बागी 3 से जुड़ी हुई है। टाइगर श्रॉफ ने यह तस्वीर को शेयर करते हुए लिखे हैं, एंड आई थॉट दी प्रीक्वल वाज चैलेंजिंग, ओके राउंड टू लेट्स गो। टाइगर श्रॉफ ने इस तस्वीर के साथ ये साफ कह दिया है कि बागी 3 का क्लाइमेक्स काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बागी 2 में टाइगर श्रॉफ के दांतों तले दबा देने वाले एक्शन सीन लोगों के सामने पेश हुए थे और इस बात में कोई शक नहीं कि मेकर्स भी बागी 3 को काफी ऊंचे लेवल पर बना रहे हैं। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग सर्बिया में की जा रही है और उनका क्लाइमेक्स से जुड़ा हुआ ये लुक भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसी के साथ ही आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म के निर्माता हैं और साजिद नाडियाडवाला ही टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड की फिल्मों में लेकर आए थे। उनकी पहली फिल्म हीरो पंती को साजिद नाडियाडवाला ही ने प्रोड्यूस किया था। साथ ही अहमद खान और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी भी बड़े पर्दे पर सुपर हिट ऊपर हिट मानी जाती है। निर्देशक और एक्टर की जोड़ी ने कई सारी फिल्में एक साथ की हैं और लगभग वो सभी फिल्में सुपर डुपर हिट भी रही हैं। ऐसे में बागी 3 से भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस करे। इसके अलावा अगर फिल्म से जुड़े बाकी कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के अलावा श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख, अंकिता लोखांडे, आशुतोष राणा, सतीश कौशिक जैसे बड़े कलाकार हमें फिल्म में देखने को मिलेंगे। साथ ही इस फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शायद इस बार फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के जरिए कुछ खास प्लान भी करके रखे हैं और फिल्म से जुड़ी कोई भी बड़ी जानकारी लीक होने से बचा भी रहे। ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि बागी 3 से जुड़ी बाकी डिटेल्स कब सामने आती है। लेकिन ऐसे में क्लाइमेक्स से जुड़ा टाइगर श्रॉफ का ये लुक सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसे देखने के बाद जाहिर सी बात है फैंस बागी 3 का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे में आपको भी अगर बागी 3 को लेकर कुछ अपनी राय देनी है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें जरूर लिख भेजें। साल 2018 में कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 1 रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि यश की भूमिका लोगों के दिलों में बस गई। साथ ही इस फिल्म के अगले पार्ट यानी KGF चैप्टर 2 की भी मांग होने लगी और मेकर्स ने बिना देरी करते हुए इस फिल्म के अगले पार्ट यानी KGF चैप्टर 2 पर काम शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक बताना चाहेंगे फिल्म की आधी तरह शूटिंग खत्म हो गई है और फिल्म से जुड़ी बाकी डिटेल्स जल्दी लोगों के सामने पेश होने वाली है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि KGF चैप्टर 2 साल 2020 की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती है। इसके पीछे वजह भी काफी दिलचस्प बताई जा रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म के लीड एक्टर हैं यश, साथ ही इस फिल्म में नए कलाकारों की भी एंट्री हुई है। यश के अलावा इस फिल्म में संजय दत्त अधीरा के किरदार में दिखने वाले हैं जो कि एक खलनायक की भूमिका होने वाली है। इस बात में कोई शक नहीं कि संजय दत्त ने जब जब खलनायक की भूमिका निभाई है तब तब वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई है और संजय दत्त के अधीरा वाले लुक को भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। इसके अलावा इस फिल्म में रवीना टंडन का भी काफी अहम किरदार होने वाला है और इन दोनों की KGF चैप्टर 2 में एंट्री की होने वजह से इस फिल्म को काफी इजाफा हो सकता है। KGF चैप्टर 1 को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि ये साल 2018 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म में से एक बनी। ये फिल्म सिर्फ साउथ में नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के जगत में भी काफी ज्यादा पसंद की गई। इस फिल्म से जुड़े एक्शन को भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और मेकर्स में ये मांग उठी कि KGF चैप्टर को और भी ज्यादा ग्रैंड बनाया जाए। ऐसे में मेकर्स भी चाहते हैं कि इस फिल्म के जरिए लोगों का एक बार फिर से भरपूर मनोरंजन हो और ऐसे में यश के सामने डटकर खड़े होने वाले हैं संजय दत्त। हालांकि कुछ महीने पहले जब संजय दत्त का अधीरा वाला लुक रिलीज किया गया था तो अधीरा वाले लुक को देखने के बाद लोगों की एक्साइटमेंट इस फिल्म के प्रति काफी हद तक बढ़ गई थी और फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। ऐसे में यश और संजय दत्त को एक साथ ऑन स्क्रीन पर देखना वाकई दिलचस्प साबित होने वाला है।